गड़बड़ थी, उसने कुटे उनसे और पैसा खाया हुआ था, इसलिए उस केस को और परसों हमने फिर दबाव बनाया जिद उसने वो लेटर भेजने की हमारी कि मैं क्राइम ब्रांच को ये लेटर भेजता हूँ। तो ये कुम्हार बिरादरी के साथ और ये दमंग जाति के लोग जो गलत कर रहे हैं उसके ऊपर सरकार और प्रशासन ये क्यों नहीं कदम उठाता, ऐसा क्या कारण है? क्या कुम्हार बिरादरी नहीं है? ये गरीब समाज है, ईमानदार समाज है, इस करके आज एक गरीब आदमी और ईमानदार आदमी कितने दिन तक चुप रहेगा? ये भी फिर दमंग जाति की तरह और गलत काम करने लगे तो कहाँ सरकार बढ़ेगी, कहाँ प्रशासन बढ़ेगा? मैं इतना कहना चाहता हूँ जो ये गलत काम हुए हमारी बहन सुमित्रा के साथ या रामबास सुनील की हत्या, इनको न्याय दिलाना चाहिए और जो जो इनके साथ जिन्हें ये काम किया है बुरा उनको जेल में गिरना चाहिए, जब जाके ये कुम्हार बिरादरी रुक सकेगी ना। ये कुम्हार बिरादरी उन दमक जातियों का जैसा व्यवहार करने लगी तो सरकार से भी नहीं बख्शा जा, ये उल्टे हटेंगे ना प्रशासन से उल्टे हटेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ और मैं समाज का प्रधान होने के नाते मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूँ, प्रधान मोदी से प्रार्थना करता हूँ कि ये कुम्हार जाति की तरफ देखें, या हरियाणा सरकार से प्रार्थना करता हूँ ये कुम्हार जाति की तरफ देखें, इनके साथ अन्याय न होने दें। और ये एक ईमानदार जाति है और संघर्षशील जाति है और इन ईमानदारी और संघर्षशील पे रहने दिया जाए और इनके साथ न्याय मिलना चाहिए जिस तरह हमारी बहन सुमित्रा के साथ हुआ है, उनको जेल में गिरना चाहिए, या हरियाणा में सुनील के साथ हुआ रामबास डिस्ट्रिक्ट दादरी में उनको जेल में गिरना चाहिए, तब ये समाज चैन से बैठ सकेगा और ना प्रशासन के साथ भी और सरकार के साथ भी टकराने के लिए तैयार है। मैं इतना कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी के। प्रधान जी आपने बताया कि मैं प्रधानमंत्री कर रहा हूँ, आज देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, 70 साल के बावजूद आज भी उन लोगों की इसी तरीके से मानसिकता बनी हुई है, आज संविधान के तहत वो काम नहीं कर रहे, वो अपनी एक अलग तरीके से बात कर रहे हैं, 70 साल से मैंने आज समाज सेवा में आए 15 साल हो गए, मैंने 10 साल कांग्रेस की सरकार देखी है। अब नरेंद्र मोदी के ऊपर हमारी आस थी, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं भारत को बदलूंगा और मैं गरीब और को ऊंचा उठाऊंगा, इस बात के ऊपर हमें नरेंद्र मोदी पे ये विश्वास था और ये 70 साल की जो आज़ादी है और आज़ादी के होते हुए भी दमंग जातियों से ये हम नीचे जाती ये उनके दबाव में रही है। आज हमें नरेंद्र मोदी से आस है, इस भाजपा सरकार से आस है कि ये गरीब जाति की सुने और गरीब जाति को ऊपर उठाएं और ये अत्याचार होने से बचाएं। 70 साल की ये जो भुगतते आ रहे हैं ये हम इन 3 सालों में आशा कर रहे थे, लेकिन इन 3 सालों में भी हमें 70 साल की याद नहीं भुलाने को 1% भी मिली है। और मैं चाहता हूँ आगे ये धरने प्रदर्शन कुम्हार समाज करेगा और 70 साल के और 5 साल में सरकार को दिखा देंगे कि भाई ये आस करे बैठे थे नरेंद्र मोदी के और भाजपा।